आर्मी के बाद नौसेना में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब तक 21 जवान कोरोना पॉजिटिव, अभी और भी बढ़ सकती है संख्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। कोरोना के प्रकोप से इस वक्त पूरा भारत जूझ रहा है। हर रोज कोरोना एक नई जगह अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा है। इंडियन आर्मी में भी कोरोना ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। अब खबर है कि वायरस का संक्रमण भारतीय नौसेना में भी पहुंच गया है। नौसेना अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई स्थित नौसेना अड्डे में 21 नौसैनिकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन नौसैनिकों में संक्रमण एक नौसैनिक से फैला है, जिसे 7 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए लोगों में से किसी में भी संक्रमण के लक्षण स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। इनमें से 20 जवान INS आगरे पर तैनात थे। INS आगरे नौसेना की पश्चिमी कमान का प्रशासकीय सपोर्ट बेस है। यह समुद्र तट पर बना है। मुंबई में नौसेना का पूरा कामकाज INS आगरे से ही चलता है। इससे कुछ दूरी पर ही कई सारे युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक नौसेना INS आगरे के इनविलिंग ब्लॉक को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पूरे युद्धपोत पर लॉकडाउन जैसी स्थिति लागू कर दी गई है। भारतीय नौसेना के मुताबिक युद्धपोत पर मौजूद जहाजों और पनडुब्बियों के सैन्य कर्मियों तक संक्रमण अभी नहीं पहुंचा है। हालांकि मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है। अभी कई सैंपल के रिजल्ट आने बाकी हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए और लोगों की जांच की जा रही है। नौसेना में एक साथ इतने मामले आ जाने से स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। इसलिए नौसेना बड़े स्तर पर उन लोगों की खोज कर रही है जो पॉजिटिव मरीजों के साथ संपर्क में थे। सभी कॉन्टैक्ट को क्वारंटाइन किया जा रहा है तथा उसके सैंपल भी टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही मिले हैं। नौसेना के मामलों से पहले तक महाराष्ट्र में कोरोना के वायरस के 3,236 मामले आए हैं। पूरे देश में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से जुड़ी और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।